कैसे आ गए तुम? तुमने मुझे उसी रात क्यों नहीं बताया कि घर वाले तुम्हें प्रेशराइज़ कर रहे हैं इस रिश्ते के हवाले से? और यकदम उसके तह तक पहुंच जाने पर राबेल ने बेसाख्ता शर्मिंदा होकर इधर उधर देखा था। ऊपर रेलिंग से रिदा और शीजा उन दोनों को देख रही थी। उसने पलके झपका कर एक बार फिर से मांस के जाने देखा। मैं खुद को और तुम्हारे सामने हल्का नहीं करना चाहती थी। एक जाने में अपने घर वालों के लिए इस कदर बोझ बन गई कि उन्होंने तुम्हारी रजामंदी पर झट से शादी के लिए हामी भर ली, लेकिन फिर अगले लम्हे जब तुम उनकी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे तो उन्होंने तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए मुझ पर जोर डालना शुरू कर दिया। मेरी इज्जत नफ्स इस सारे अरसे में बहुत मजरूई थी मास। मैं तुम्हारे सामने अपना भरम यूं नहीं तोड़ना चाहती थी। उसके दुखी होकर कहने पर मास ने एक लम्हे को गहरा सांस लिया था, फिर सर हिलाया। बुलाओ बाबा को, बात करनी है मैंने उनसे। बाबा को? उन्हें क्यों? और राबेल, जो तहे दिल से चाहती थी कि वो घर जलाए बाबा के सामने बैठ कर दो टोक बात कर ले, उसके इस तरह से कहने पर यकदम घबरा गई थी। मास ने एक लम्हे को रुक कर देखा था उसे। तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? उसका सवाल इस कदर सीधा था कि वो बेख्तियार हामी भर गई, फिर यकदम सर नफी में हिलाया, फिर ना समझी से हाँ में। उफ, ऐसे मनवाते हैं लोगों से अपनी बात। जाओ अब बुलाओ उन्हें, मुझे बात करनी है। तुम हमेशा से इतने बदतमीज थे या फिर मुझसे मिलने के बाद हुए हो? उसके यूं घेरने पर वो तिल मिलाई थी। मास ने कंधे उचकाए, फिर ठोरी खुजाई। हमेशा से था, और अगर मैं बाबा को ना बुलाऊं तो क्या करोगे तुम? एक पल को अपनी ठोरी उठा के बड़े इत्मीनान से पूछा था। वो मुस्कुराया, फिर नफी में सर हिलाया। तो मैं ये करूँगा, झुक कर उसका हाथ थामा और अपने साथ लिए जीनों के जाने पड़ा। उसे पहले तो समझ नहीं आया और फिर जब समझ आया तो वो यकदम घबरा गई। मास नहीं, मास मेरी बात सुनो, बाबा घर पर नहीं है मास। लेकिन वो उसे अपने साथ ही आगे ही आगे बढ़ रहा था। कुछ मामलात में वो वाकई बहुत टेढ़ा था। राबेल को वकार की पिछली बात अब समझ आई थी। रिदा और शीजा भी उसके यूं आराम से बाबा के कमरे की जाने बढ़ने पर गड़बड़ा कर उनके पीछे ही आई थी। रामीन उस हल्के फुल्के से शोर पर किचन से बाहर निकली तो देखा अरहम दाखिली दरवाजे ही में इस्तादा था। वो उसे देखकर चौंकी, फिर मुस्कुरा कर उसे बैठने को कहा। वो चारों ना चार लाउंज में आकर बैठ ही गया था। उसके चेहरे की फातेहाना सी चमक गायब थी। मास और राबेल को यूं एक साथ देखकर उसे बहुत कुछ गारत होता नजर आ रहा था। उसने आबिद के कमरे के बाहर रुककर दरवाजा खटखटाया, राबेल की जानिब देखा जो मुसलसल नफी में सर हिलाकर उसे रोक रही थी। मास नहीं, मास प्लीज। लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। आबिद जो रॉकिंग चेयर पर झूलते कोई किताब पढ़ रहे थे, लम्हे भर को मास और राबेल को यूं साथ देकर ठटके। उनकी झूलती कुर्सी थम गई थी। वो स्याह जैकेट में मलबूस उस सादा से कमीज शलवार वाली राबेल से ऊंचा था। उसने कमरे में आकर उसका हाथ छोड़ दिया था, लेकिन उसने ये आबिद को दिखा कर छोड़ा था। वो बाकी लफ्ज़ों से पहले ही इंसान को समझाने का आदी था। उसके इस अमल ने आबिद को भी लम्हे भर में बहुत कुछ समझा दिया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चचा आप? और फिर वो उनके ऐन सामने सोफे पर जा बैठा। रिदा और शीजा भी दरवाजे में आ खड़ी हुई थी। आबिद को सलाम का जवाब देने में चंद लम्हे लगे, राबेल तो अपनी जगह पर ही जम गई। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक। चंद लम्हों के लिए सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर राबेल इन्हें खिंकार कर बात का आगाज करना चाहा तो उसी वक्त मास की आवाज़ उभरी। आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं चचा? उफ, कोई इतना सांप को कैसे हो सकता है? राबेल का दिल किया वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाए। उसके सांप कोई पर आबिद भी चंद लम्हों के लिए बुरी तरह से गड़बड़ाए थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। खुश है तब भी मुझे बता दें, और अगर खुश नहीं है तब भी बता दें, मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मास का लहजा उसके मखसूस लहजे से खासा मुख्तलिफ था, बिल्कुल नरम और हमवार सा। जाने ये शख्स और कितनी परतें लिए हुए था खुद में। लोग जो अंदाजे उसके बारे में कायम किया करते थे, अगले ही लम्हे वो किसी ऐसे नरम से अंदाज से उनके अंदाजे उन्हीं पर उलट दिया करता था, जैसे कि उसने भी यही आबिद के साथ किया था। तुम इतने दिन कहाँ गायब थे? मैं तो इतने सालों से गायब था चचा, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? लेकिन मैं अगर किसी बात पर आपको ज़ुबान देकर गया था तो इसका मतलब था कि मेरा पलटना यकीनी सी बात है, इसलिए आपको किसी पर भी दबाव डालने की ज़रूरत नहीं थी। और आबिद की निगाह अगले ही लम्हे राबेल पर उठी थी। उसने सर पूरा झुका रखा था, वो भी अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी साथ नहीं लाई थी। या अल्लाह, वो क्या करे? मैं बेटी का बापू परेशान ना होता तो क्या करता भला? किसी और के पास जाने से पहले मुझसे बात करते, आप सारा मसला ख़त्म हो जाता। उसने घुटनों पर रखी कोनियों की हथेलियाँ बाहम मिला रखी थी,
संजीत की इस कदर गहरी थी कि आबिद उसकी किसी भी बात पर हल्का फुल्का सा तासुर दे ही नहीं सकते थे। उस लड़के को रिश्ते संभालना आते थे, उसे रिश्ते बचाना आते थे, उन्हें अंदाजा हो रहा था। मुझे वाकई तुमसे बात करनी चाहिए थी। और उनके इस तरह से अपनी गलती तस्लीम करने पर आबेल ने झटके से सर उठाया। रीता और शीजा ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। मुझे अगर इस रिश्ते से मसला होता तो मैं पहली दफ़ा इसके लिए हामी ना भरता चचा, लेकिन मुझे इससे कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट जितने मसले थे वो भी सुलझा दिए किसी ने। एक नज़र उठाकर राबेल को देखा था, वो भी यकीन निगाहों से उसे ही देख रही थी। रीता और शीजा ने बेसाख्ता उभरती मुस्कुराहट दबाई थी। आह, वो मांस था, उस पर सिर्फ हैरत ही की जा सकती थी। आबिद खिंकार कर सीधे हुए, तो तुम्हें इस रिश्ते से वाकई कोई मसला नहीं? नहीं। और उसके इस यक लफ्जी जवाब पर राबेल के कंधे बेसाख्ता ही बोझ से आज़ाद हुए थे। आबिद के चेहरे पर हैरत अब तक रकम थी। वो अगले ही लम्हे उठ खड़ा हुआ, आबिद भी उसी के साथ उठे थे। आइंदा कोई भी मसला हो तो चचा, सबसे पहले मुझसे बात कीजिएगा, आप में यकीनन आपको झूठी उम्मीदें नहीं दिलवाऊंगा। और आबिद ने पहली बार उसके कहने पर मुस्कुरा कर सर हिलाया था, और उनके जवाब पर वो किसी जज्बाती से लड़के की तरह आगे बढ़कर उनके गले नहीं लग सकता था। वो कभी भी उनसे बेतकल्लुफ नहीं था, इसीलिए उसने आगे बढ़कर उनसे महज मुस्कुराते हुए मुसाफा किया, फिर सर हिलाकर पलट गया। राबेल, रीता और शीजा तीनों उसके साथ ही कमरे से बाहर निकली थी। पीछे आबिद ने गहरा सांस लेकर हल्के कंधों के साथ किताब एक बार फिर से खोली और रॉकिंग चेयर पर बैठ गए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मास, वो खफा थी या खुश उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या उम्मीद थी तुम्हें मुझसे? वो तीनों उसके साथ साथ चल रही थी। रीता और शीजा उनसे एक कदम पीछे थी, जबकि मास और राबेल एक कदम आगे। तुम ऐसे कैसे बाबा से बात कर सकते हो? तो फिर कैसे बात करनी चाहिए थी मुझे? एटलीस्ट थोड़ा सा तो झिझकते, बात करते हुए जगह जगह रुकते, ताकि बाबा को लगता कि तुम इस रिश्ते के लिए कितने हसास हो। क्या तुम गए? और बे धड़ धड़ ऐसे थोड़ी होता है, उसे तो सदमा ही पहुंच गया था। रीता और शीजा राबेल की बात पर हंसती थी और मास ने लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट बेसाख्ता ही रोक ली। मुझे तो बस ऐसे ही बात करने आती है, फिर से कंधे उचकाए तो राबेल का दिल किया साथ रखा गुलदान उसके सर पर दे मारे। हर वक्त कंधे उचकाकर सारा किस्सा ही मुका दिया करता था वो। बुरा सा मुंह बनाकर वो वहीं रुक गई, तो वो चलते चलते बेसाख्ता रुका, उसे पलट कर देखा। रीता और शीजा ने भी उसे पलट कर देखा था। उसे लगा कि वो अभी आगे आएगा, एक बार फिर से उसे हाथ से पकड़कर प्रोटोकॉल के साथ नीचे लेकर जाएगा, लेकिन ना भाई, वो माज ही क्या जो आपको नज़रअंदाज ना करे। अगले ही लम्हे वो सर हिला कर नीचे उतरा तो राबेल भी गहरा सांस देकर आते रास्ते से बाबा के कमरे की जानी पलट गई। उसे अभी उनसे कुछ हिसाब चुकता करने थे, कुछ बातों की वजाहत उसे अभी चाहिए थी। उसे जीनों से उतरता देखकर रामीन हैरत से उठ खड़ी हुई थी। वो भी नरम सा तासुर लिए सोफे की पुस्तक चलाया, लाउंज में बैठे अरहम को यकसर नज़रअंदाज किया। बेटा मास, आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही आया था चाची, अभी चाचा से बात करनी थी कुछ। आप ठीक हैं? जी जी बेटा, आप बैठो ना। रामीन को समझ ही नहीं आया उसके यूँ सामने होने पर किस तरह का रद्द अमल देना चाहिए। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाया था। बस चाची चलता हूँ, आप ख्याल रखिएगा अपना। और अगले लम्हे वो दाखिली दरवाजे से बाहर था। हाँ, वो आज भी उतना ही कम गो था कि उस पहले दिन, लेकिन अब उसके अंदाज की बेजारियत बहुत हद तक कम थी। गैर आरामदेह से अरहम ने भी पहलू बदला, फिर उठ खड़ा हुआ। मैं भी चलता हूँ मामी, रामीन उसे रोकती रह गई, लेकिन वो नहीं रुका। अगले हर गुजरते लम्हे के साथ उसके कंधों पर बोझ मजीद बढ़ रहा था। कैसे वो बाबा की दिवालिया हुई कंपनी को मजीद छुपा सकेगा? और अगर वो छुपा ना सका तो उनसे वो पैसे कैसे वसूल सकेगा? उसे जल्द जल्द कुछ सोचना था। चेहरे पर नाकाबले फहम तासुरात सजाए वो आगे बढ़ा तो रामीन ने हैरत से पलट कर रीता और शीजा को देखा। इसे क्या हुआ? झाड़ पड़ी है माज भाई से, मज़े से कहने वाली रीता थी, लेकिन उसकी बात पर रामीन ने परेशानी से वजाहत के लिए शीजा की जानिब देखा था। राबी को तंग कर रहे थे, माज भाई ने देख लिया तो सीधा कर दिया, हम दोनों पिछली बालकनी से देख रहे थे। और ऊपर क्या बात हुई? वो हैरतों में घिरी बेख्तियार बोली तो रीता दिलचस्पी से आगे हुई। यार माँ, माज भाई क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ी से बड़ी बात यूँ कर जाते हैं जैसे कोई मसला ही नहीं। क्या बात हुई? बात क्या होनी थी? जाती बाबा से पूछा कि उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं। फिर वो आराम से तसल्ली देकर गए कि अगर कोई मसला होता तो वो पहले ही बता देते, लेकिन उन्हें कोई एतराज़ नहीं, राबी को तो बात ही नहीं करनी थी उन्होंने। और एक तरह से अच्छा ही किया, राबी ने 100 दफ़ा तो हिचकिचाना था, बात क्या खाक मुकम्मल करती वो। या अल्लाह तेरा शुक्र,
रामीन ने बेख्तियार शुक्र का कलमा पढ़ा था। शेजा उस सब में अलबत्ता बिल्कुल खामोश सी बैठी हुई थी। कुछ था जो उसके चेहरे पर नजर आ रहा था, लेकिन रीता और रामीन ने उसकी जानिब तवज्जो ही नहीं दी। वो दोबारा उनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो अपनी किताब की जानी मतवजे आबिद ने उसे बेख्तियार देखा। वो वहीं हाथ बांधे दरवाजे ही में खड़ी हो गई थी। उन्होंने आहिस्ता से किताब बंद की और उसे तपाई पर रख कर उसकी जानी मतवजे हुए। तो आप राजी थे इस रिश्ते के लिए? आबिद उसके सवाल पर हैरान नहीं हुए, मुस्कुराते हुए उसे देखे गए। हाँ, तो फिर आपने मुझे वो सब क्यों कहा? आपने वो सब बातें माँ से क्यों कही कि मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ, कि आप मेरा निकाह अरहम से करना चाहते हैं? जब आप शुरू दिन से ही इस सब के लिए राजी थे तो आपने ऐसा क्यों किया बाबा? वो हैरान थी, वो ज़रा खफा भी, इसीलिए हाथ बांधे अब तक दरवाजे के आगे ही खड़ी रही। आबिद ने गहरा सांस लिया, फिर उसे देखा। मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ ये सच है, लेकिन मुझे अरहम के रिश्ते पर भी कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन बाबा, हाँ ठीक है मैंने वो सब कहा, लेकिन जानती हो मैंने वो सब क्यों कहा था? क्योंकि तुम इस हवाले से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। तुमने सब कुछ एकदम खामोशी से कबूल कर लिया, यहाँ तक कि मांस की गैर हाजिरी भी। तुम्हें यह सब ठीक लग रहा था राबे, लेकिन यह सब असल में ठीक नहीं था। जब हम रिश्ते जोड़ते हैं तो उन रिश्तों की पायदारी के लिए उन पर मेहनत भी करते हैं। मैंने तो बस ऐसा मौका पैदा किया था कि तुम अपने इस नए रिश्ते पर मेहनत करो। तुम इसे संजीदगी से लो, छोटी हो अभी, तुम इतनी बड़ी नहीं हो कि मैं मामला तुम्हारे हाथ में देकर आराम से बैठ जाता। और जहाँ तक रही बात मांस की, वो रुके, राबेल खामोशी से उन्हें सुन रही थी, साथ साथ खुद की भी सिमट रही थी। उसे मैं जानता हूँ, मुझे अंदाज़ा था कि वो आएगा, लेकिन इतनी जल्दी वो आ जाएगा मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने अपनी बात ख़त्म करके एक बार फिर से शफकत के साथ मुस्कुरा कर उसे देखा तो वो भी इख्तियार ही आगे बढ़ाई, उनके घुटनों के ऐन सामने पंजों के बल बैठी। आप जानते हैं मैं आपके इस फैसले से कितना डर गई थी? आबिद ने मुस्कुरा के उसके सर पर हाथ रखा। जानता हूँ तुम डर गई थी, जब भी तो आगे बढ़कर इस रिश्ते को बिला खौफ व झिझक कबूल करने की जरूरत की थी तुमने। हम जब तक डरते नहीं हैं तब तक हम में हिम्मत नहीं आती, डर के आगे जीत है। वो आखिर में उनके ऐसे अंदाज पर हंसी तो आबिद भी हंस दिए। बहुत दिनों बाद उसने पुराने वाले आबिद को देखा था, नहीं तो पिछले महीने की मुस्तकिल चलती चपकलिश और ना हमवार वाक़ात ने उसके और आबिद के दरमियान बहुत सा फासला खड़ा कर दिया था। आप मेरे हिजाब लेने से नाखुश हैं बाबा? उसने नरमी से पूछा तो वो मुस्कुराए, फिर उसकी कतई सी आंखों को अपनाइयत से देखा। सच पूछो तो मैं खुद कोई बहुत मजहबी आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे इस दुपट्टे से कोई मस्ता नहीं। परेशान मैं तब हुआ था जब इस सब का असर तुम्हारे रिश्ते पर पड़ा, लेकिन फिर तुम्हारे इस अटल फैसले को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम साइमा के घर के लिए मुनासिब नहीं हो। तुम्हारे रिश्ते के लिए भी इसी वजह से इतनी जल्दी हामी भरी थी मैंने, क्योंकि मैं दिल से इस पर राजी था। वो हैरतों में घेरी उन्हें सुन रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बाबा उसके बारे में इतना हसास होकर सोचते होंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मेरे बारे में इतने सेंसिटिव हैं। तुम्हारे बारे में सेंसिटिव क्यों नहीं होगा? मुझे रीता और शीजा की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है। उनका मुझे पता है कोई भी गलत बात उनसे करेगा तो बच के नहीं जा सकता, लेकिन वही बात अगर तुमसे कोई करेगा तो तुम उसे जवाब देने के बजाय हर्ट होकर वापस आ जाओगी। मुझे तुम्हारे मामले में हसास होना ही पड़ता है। उसने मुस्कुरा कर उन्हें देखा था, अंदर कहीं शर्मिंदगी भी हुई। मैं अब इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे भी लोगों को जवाब देने आते हैं, मुझे भी उनकी तबीयत दुरुस्त करने आती है। पहले मुझे ये सब नहीं आता था, लेकिन अब आता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब मुझे आना चाहिए। बिल्कुल, वो मुत्तफिक होकर सीधे हो बैठे। लेकिन अभी भी तुम कच्ची हो, अभी तुम्हें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। बल्कि थोड़ी क्यों, अभी तुम्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तुम्हें खुद पर अभी और मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन बाबा, फिर ये तो मेरी नेचर है ना, मैं इसे अपने अंदर से कैसे निकालूं? आप सच कह रहे हैं, ये बहुत छोटी बातें लेकिन मुझे तकलीफ़ दे जाती हैं। आबिद ने सर हिलाया। ऐसा ही है, तुम इसे मुकम्मल तौर पर कभी भी अपने अंदर से नहीं निकाल सकती, लेकिन तुम खुद पर मेहनत करके खुद को मजबूत करने के बाद लोगों का मुकाबला बआसानी कर सकती हो। तकलीफ़ तो साथ ही रहेगी, क्योंकि कुछ तकलीफ़ें इंसान को ज़िंदा रखने के लिए सारी ज़िंदगी उन्हें तोहफे में दी जाती हैं। तुम्हारी यह हसासियत भी तोहफा है, इसीलिए तुम वो सब भी महसूस करती हो जो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। वो उदासी से मुस्कुराई, फिर उठ खड़ी हुई। और हसास होने का मतलब हर किसी ये नहीं होता कि आप, उसने जुमला अधूरा छोड़कर जगमगाती आंखों से आबिद की जानिब देखा। वो बेसाख्ता कुछ याद आने पर मुस्कुराए थे।
कि आप मजबूत नहीं बन सकते। उन्होंने जुमला मुकम्मल किया तो वो खिलखिलाई। ये जुमला बचपन में उसे आबिद अक्सर कहा करते थे और उसके यूं ऐन मौके पर याद आ जाने से वो दोनों ही दरमियान में खड़ी उस बर्फ सी फसील को पिघला चुके थे। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम तो आबिद की तरफ गए थे ना, क्या बना? वो कुछ देर पहले ही घर आया था, लेकिन साइमा की जानिब कोई भी खुशखबरी ले जाने के बजाय जब वो अपने कमरे में चला आया तो उन्हें उसके पीछे आना ही पड़ा। वो जो खिड़की के साथ लगकर खड़ा था, कड़वी निगाह उन पर डालकर दोबारा से वही मतवज्जे हो गया। साइमा उसके ऐसे देखने पर ठटकी थी, फिर जरा संभल कर आगे हुई। क्या हुआ अरहम? उसके बाजू पर हाथ रखा तो उसने हाथ झटक दिया। वो हैरान होकर उसे देखने लगी थी। होना क्या है, आपका वो सुतेला भतीजा इस रास्ते का सबसे मुश्किल कांटा है। मम्मी, सब बर्बाद कर दिया आपकी जीत और आपकी सो कॉल्ड अना ने। उसकी तलखी पर पहली बार साइमा की पेशानी शिकन आलूद हुई थी। क्या किया है माज ने? करना क्या था उसने? मैं राबेल से बात करने गया था, दूसरे लफ्ज़ों में धमकाने गया था उस बुद्धि लड़की को, लेकिन वो जाने कहाँ से दरमियान में आ गया। ऐसे कोनी से पकड़ कर राबेल को अपने पीछे किया जैसे मैं तो उसे खा ही जाऊँगा। मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है ये माज। उसने मुट्ठी जोर से दीवार पर मारी थी। साइमा ने सर्द निगाहों से अब की खिड़की से बाहर देखा। चेहरे पर कड़वाहट फैल गई थी। इस लड़के को इसकी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। उसने झटके से उन्हें मुड़कर देखा था, तहस जैसे यकदम ही उबला था उसके अंदर। अच्छा, आपको लगता है कि वो वही माज है जो 13 सालों पहले था? सच में मम्मी, किस दुनिया में रहती हैं आप? जानती भी हैं कैसे लोगों से दोस्तियाँ हैं उसकी? ऐसे लोगों से दोस्तियाँ हैं कि अगर आपने उनमें से किसी की शक्ल एक बार भी देख ली ना, तो ज़िंदगी के अगले कई दिनों तक नींद नहीं आएगी आपको। साइमा ने उसकी बात न समझी से देखा। तुम बुजदिल बन रहे हो, अगर उसकी ऐसी दोस्तियाँ हैं तो तुम। मेरी दोस्तियाँ हैं मम्मी, लेकिन रातों रात कत्ल करके गंदे नालों में लाशें फेंक देने वालों के साथ मेरी दोस्तियाँ नहीं हैं। वो एक वक्त तक उस जगह पर आए, और ये क्रिमिनल्स किसी के नहीं होते, लेकिन जिसके होते हैं उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ते ये लोग। आपको लगता है कि मैं उस मास का मुकाबला कर सकता हूँ? वो उसकी ऐसी वजाहत पर इस सारे अरसे में आपके पहली दफ़ा परेशान हुई थी। तो हम फिर ऐसे में क्या करेंगे अरहम? तुम्हारी राबेल के साथ शादी बहुत ज़रूरी है। जानते हो ना, तुम्हारे बाप के गलत फैसलों ने कंपनी को कहाँ तक पहुँचा दिया है। हमें इसे दोबारा खड़ा करने के लिए बहुत पैसा चाहिए बेटा, हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। उसने भी बेजार होकर गहरा सांस लिया और चेहरा एक बार फिर से खिड़की की जानिब फेर लिया। खामखा की मुसीबत सर पर आ गई थी उसके। मुझे फ़िलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा मम्मी, मैं कैसे इस निकाह को ख़त्म करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ तो सोचो बेटा, हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, तुम्हें कुछ तो करना होगा। क्या मैं कुछ करूँ? एक पल को रुक कर पूछा तो उसने बेख्तियारी हाथ उठाकर उन्हें मना कर दिया। मेहरबानी करके अब आप कुछ मत करें, मुझे करने दे, सोचने दे मुझको। वो चंद पल खामोशी से खड़ी उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, क्यों ना हम राबेल को अपने घर बुला लें, चंद दिनों के लिए उसे धमकाएं, डराएं कि अगर उसने ये निकाह खुद ख़त्म ना किया तो हम उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे। क्या ख्याल है? वो किसी को बताए कि तब भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, हम उससे अपनी बात बनवा सकते हैं, वो डरपोक है, डर कर मान जाएगी। उसने ऐसी बात पर कोफ़ज़दा सी सांस खींच ली थी, फिर कहर आलूद निकाह मम्मी पर डाली। अच्छा, कोई यकीन नहीं करेगा उसका, ठीक है मान लिया, लेकिन वो मास, वो उसका यकीन ज़रूर करेगा माँ, और उसके बाद जानती हैं क्या होगा, कुत्तों के आगे पड़ी होगी आपके बेटे की लाश, अल्लाह ना करे। उन्होंने दहल कर उसकी जानिब देखा था, लेकिन उसने सर झटका, सब कुछ उसके हाथों से निकलता जा रहा था। बस अब हमें कुछ ऐसा सोचना है कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगले दिन वो जोहर पढ़कर फारिग हुई तो उसकी निगाह रिदा पर पड़ी। अपने मखसूस जीन्स और शर्ट वाले हुलिये में नमाज के गुजरते वक्त से गाफिल वो अपने कामों में मगन थी। उसने लाउंज से जायनमाज समेटा और उसे एक तरफ रखते हुए रिदा को दुख से देखा। उसके घर में कोई भी नमाज की पाबंदी नहीं पढ़ा करता था, और पहले तो वो भी इतनी पाबंदी से नहीं पढ़ा करती थी नमाज, लेकिन फिर उससे गफलत की भारी सज़ा सुनकर उसके तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। और अब यूँ अपने घर वालों का नमाज से गफलत बरतता देखकर उसका दिल दुखता था। वो उनसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहती थी। वो रिदा और शीजा को सर पर दुपट्टा डालने के लिए नहीं कह रही थी, ना ही कोई बहुत मुश्किल मुतालबा कर रही थी, लेकिन वो उनसे सिर्फ ये चाहती थी कि कम अज़ कम वो अपनी नमाजों की पाबंदी करें। उसने बार बार उन्हें कहा था, लेकिन उसकी बात का कोई भी असर लिए बगैर ही सर झटक दिया जाता था। बोझल दिल लिए वो आज मदरसे चली आई थी। आज पीर था और क्लासेस अपने मामूल के मुताबिक हो रही थी।
उसने भी अपनी क्लास में आकर बैग कुर्सी पर रखा और खामोशी से बैठ गई। कुछ ही देर पहले तफसीर की क्लास मुकम्मल हुई थी और अब नमाज के मसाइल की क्लास थी। उसने किताब खोलकर कुर्सी की हत्थी पर रखी और आज का मौजू देखने लगी। चंद लम्हों बाद सारी लड़कियां सीधी हो बैठी। मैडम सबाहत अपना आज का लेक्चर शुरू कर रही थी। उन्होंने अभी बात शुरू ही की थी कि राबेल के साथ बैठी लड़की ने अपना हाथ हवा में मुअल्लिक किया। सब ने चौंक कर उसे देखा था। कुछ पूछना है आपने, मैडम ने नरमी से पूछा तो उसने इस्बात में सर हिलाया, फिर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं अकेले घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ मैडम, और मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि अपनी इस क्लास की वजह से मेरे घर वाले दीन से बहुत दूर हैं। मैं उन्हें नमाज की जानिब बुलाने लगती हूँ, उन्हें मज़ीद अहकाम की जानिब राग़िब करने लगती हूँ तो वो उल्टा मुझे झाड़ देते हैं, मुझे अपने लफ्ज़ों से तकलीफ़ देते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसे में क्या किरदार अदा होना चाहिए मेरा। वो बहुत दुखी लग रही थी, हद से ज़्यादा उसकी भारी सी आवाज़ से लगता था गोया वो घंटों अपने घर वालों के किसी बेतनाई पर रोती रही हो। राबेल को उसे देखकर यकदम अपना वक्त याद आया था, लेकिन मैडम सबात अपनी जगह नरमी से मुस्कुराई। उस मदरसे की हर दूसरी लड़की अपने घर वालों की दीन से दूरी पर रोया करती थी, ये उनके लिए अब नई बात हरगिज भी नहीं थी। अल्लाह जानते हैं कि तुम्हारा सीना तंग होता है बावजह उसके जो वो कहते हैं। वो किसी आयत का मफहूम था। साथ बहुत सी लड़कियां अपने आंसू रो के मैडम की जानिब मतवजे थीं। ऐसा ही होता है बच्चे, जब अपने ही हमारे हक होने से इनकार कर दे तो इतनी ही तकलीफ़ होती है, लेकिन हम उस तकलीफ़ के पेश नज़र अपना काम नहीं छोड़ सकते। हम उस छोटी सी अजियत की खातिर उन्हें बड़ी जहन्नुम में नहीं धकेल सकते। हमें उन्हें हर हाल में उस दीन की तरफ, उस कुरान की जानिब और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बुलाना ही है। लेकिन फिर सवाल ये कि हम उन्हें उस तरफ बुलाएं कैसे, हम ऐसा क्या करें कि वो दीन के जानिब रागिब हो जाएं। सब तुम सादे सुन रहे थे। राबेल के हाथ में खुली किताब के सफ़े खिड़की से अंदर गिरती हवा के बाइस फड़फड़ाने लगे। हमारे लिए रहनुमा कौन है? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, उन्होंने कैसे अपने घर वालों को इस दीन की जानिब बुलाया था? क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मैडम की नरम आवाज़ का इर्तआश उन सब लड़कियों को अपने दिलों में बखूबी महसूस हो रहा था। कुरान के ज़रिए किसी तालबा के जवाब पर मैडम ने खुश होकर सर हिलाया। बिल्कुल, उन्होंने कहीं से भी तमहीद नहीं बांधी बल्कि अपनी बात शुरू ही उस कुरान से की। उन्होंने किसी से भी लंबी लंबी बहसें नहीं की बल्कि ये कुरान सुनाकर उन्हें ज़ेर कर दिया, और इस कुरान के उतरने से कबल उनकी 40 साल ज़िंदगी उनके घर वालों के सामने थी कि आप मोहम्मद कैसे इखलाक के मालिक थे, आप कितनी नरमी से चला करते थे। हमें पहले उन्हें खुद के साथ मानूस करना है, कुछ बातें उनकी माननी है, तब जाकर वो हमारी बात मानेंगे। कुछ दे कर ही इंसान को कुछ मिलता है। आप अपना वक्त, अपना इखलाक और कुरान देके वो आपकी जानिब पलट आएंगे। जानते हैं हमारे अपने इस दीन की जानिब क्यों नहीं आते, या फिर आप अपनी पिछली ज़िंदगी देखें कि आप उसकी जानिब क्यों नहीं आया करते थे। मैं उसकी जानिब इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मुझे लगता था कि इस्लाम सिर्फ इंसानों पर पाबंदियां आयद करना जानता है, एक तालबा ने यकदम जवाब दिया। उस समय कोई और तालबा कहीं और से बोली, मैंने कभी इस पर पहले तवज्जो इसलिए नहीं दी क्योंकि अक्सर दीनदार लोग बहुत करख्त होते थे। वो जानबूझकर हम जैसे लोगों के सामने मोटी मोटी इस्तेहात का इस्तेमाल करके अपनी थाक बिठाकर आखिर में पूछा करते थे कि क्या तुम्हें यह सब पता है, अगर नहीं पता तो तुम कैसी मुस्लिमा हो। दूसरे मानों में मुझे डिग्रेड करते थे, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। मैडम सर हिलाकर उन सब की तायद कर रही थी, उनके जवाब को सराह रही थी। उसी अस्था में हॉल के बिल्कुल पीछे से आवाज़ आई। वो एक कमज़ोर सी लड़की थी जो खड़ी होकर अपनी बात मैडम के गोशे गुजार कर रही थी। मुझे इस दीन से चिढ़ सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद साहब की वजह से हुई थी। वो कहते थे कि इस्लाम में औरतों को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं। उनके इस कौल के बायस मेरी बड़ी बहन को अपनी पढ़ाई को खैर बात कहना पड़ा, हालांकि उनका ख्वाब था बहुत पढ़ना, जबकि अल्लाह ने तो नाज़िली किताब की है और किताब सिंबल होता है इल्म का। अगर हमारा दीन किताबों के पढ़ने से मना करता तो खुद कभी किताब की सूरत ना उतरता, कभी किताबों की सूरत ना फैलता, कभी ये किताबें पढ़कर लोग मुसलमान ना होते। क्या अजब है कि जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से किया गया था वो ही कौम पढ़ने पर पाबंदी आयद कर रही है। मैडम ने गहरा सांस लेकर नरमी से उस लड़की के जवाब में कहा था। आपके हर जानिब क्लास रूम से आवाज़ें आ रही थी, कोई कह रहा था कि उन्हें दुरुस्त दीन कभी पढ़ाया ही नहीं गया तो दूसरा कह रहा था कि उन्हें अल्लाह की बात सुनाने के बजाय किस्से कहानियों की जानिब बुलाया गया। आखिर में मैडम ने मुस्कुरा कर उन सब लड़कियों को देखा जो अब उन सारी गलतफहमियों को रद्द किए एक छत तले अल्लाह का कलाम पढ़ने बैठी थी।
हमें अपने घर वालों को बुलाना ही अल्लाह की बात से है। हमें इस मिशन को अपनी अना का मसला नहीं बनाना कि अगर कोई हमारी बात नहीं मान रहा तो ये हमारी बेइज्जती है। इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं। दीन आपको कभी भी ज़बरदस्ती का दर्स नहीं दिया करता। अल्लाह के रसूल ने कभी लोगों पर सख्ती से उस दीन को मुसल्लत नहीं किया था। आपका काम सिर्फ नसीहत पहुँचाना है। आपने सिर्फ अल्लाह की बात लोगों तक पहुँचानी है। वो कुरान की एक आयत का मफहूम है ना कि आप ए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों पर दारोगा नहीं हैं, आप लोगों पर डंडा लेकर मुसल्लत नहीं हो सकते। आपने बस उन्हें अपने अच्छे अखलाक और नरमी के साथ दीन की जानिब बुलाना है। कोई अगर नहीं भी आता तो आपने उसकी बेइज्जती नहीं करनी। कोई अगर आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आए तो जवाब में आपने उनके दर्जे पर गिर कर महाज नहीं खड़ा करना। आपका काम सिर्फ बुलाना है, दुआ करना है, सब्र का मुजाहरा करना है, बस फुल स्टॉप। इसके बाद दिलों पर लगी मोर तो अल्लाह हटा सकता है। हम जिसे चाहें उस ईमान से बहरेमंद नहीं कर सकते। ये अल्लाह का फैसला होता है कि किसका दिल ईमान से रोशन करना है और किसका नहीं। वो खामोश हुई तो हर तरफ सकून सा तहलील हो गया। राबेल वापसी के सारे रास्ते खामोश रही। वो जो अपने घर वालों को बार बार दीन की जानिब बुला रही थी तो शायद यही वजह थी कि कभी उन्होंने उसकी बातों पर कान नहीं धरे थे। उसने कभी उनको कुरान सुनाया ही नहीं था। उसने तो हमेशा उनसे अपनी बात की थी। अब की बार कोताही उसकी जानिब से की गई। वो घर वापस पलटी तो मगरिब का वक्त हो रहा था। उसने अबाया चेंज करके किचन में आकर कॉफ़ी बनाई, फिर साथ स्नैक्स भी बनाए। एक ट्रे में सब कुछ सजा कर अब के वो लाउंज में चली आई थी। उसे पता था कि रीता और शेजा शाम की चाय पी चुकी होंगी, लेकिन वो एक बार फिर से उन्हें कॉफ़ी पिलाकर ख़ुद से मज़ीद मानूस करना चाहती थी। उसने जीनों के उस पार बने उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर चेहरा अंदर किया। रिदा बेड से आधी नीचे लटकी कोई मैगजीन पढ़ रही थी और दूसरी जानिब शीजा बोर सी लेटी अपने मोबाइल पर स्क्रॉलिंग में मसरूफ़ थी। कॉफ़ी कौन कौन पिएगा? उसने अंदर झांका। मैं, दोनों ने बेक वक्त कहा। वो मुस्कुराई। फटाफट आ जाओ लाउंज में, मैंने कॉफ़ी बना कर रखी है। एक तो ठंड, ऊपर से राबी के हाथ की गर्मा गर्म कॉफ़ी। थैंक्स मी लेटर, शरारत से कहकर दरवाज़ा बंद किया और झपाक से बाहर। वो दोनों उठी और उसके पीछे ही चली आईं। रीता अपने मखसूस जीन्स और टी शर्ट में मलबूस थी और शीजा ने टाइट्स पर शॉर्ट शर्ट पहन रखी थी। वो दोनों ही स्टाइलिश लगती थीं और उनके बरक्स राबी क्यूट सादा से सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस बालों को हाफ बांधे दुपट्टा कंधों पर लिए वो आम से हुलिये में भी अच्छी लगती थी। राबी, बहुत मज़े की है। कितने दिनों बाद तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पी है, मज़ा आ गया। शीजा ने भी एक घूंट लेकर मज़े से सर हिलाया था। राबेल हंसती। तुम्हें पता है परसों हम जाएंगे इकबाल के घर। जरताशा चची ने सब लड़कियों को बुलाया ख़ानदान की। क्यों? वो भी ख़ानदान की सब लड़कियों को खैरियत तो है ना? वो अपने ही मसने में उलझी हुई थी, खबर ही नहीं थी कि ख़ानदान में चल क्या रहा था। आगे बढ़कर स्नैक लेते हुए उसने पूछा तो शीजा ने बताया। वैसे ही ख़ानदान की दावतों में किसी को वक्त ही नहीं मिल सका था हरीम से बात करने का। अब वो तो नई नवेदी दुल्हन है, आई भी दूर से रुख्सत होकर है। इसीलिए उसके खातिर चची ने एक गेट टुगेदर रख लिया जिसमें सिर्फ लड़कियां ही इन्वाइटेड हैं। तुम चलोगी? आखिर में सवाल किया तो उसने कंधे उचकाए। फिर एकदम कुछ याद आया, किसी की आदतें आती जा रही थी उसमें। उसे मुस्कुराता हुआ देख कर रीदा ने शीजा को आंखों ही आंखों में इशारा किया तो वो उसके कान खींचने के लिए सीधी हो बैठी। अहम, वैसे ये मास भाई किन मसले की बात कर रहे थे आज? हाँ, वो जो अपने ख्यालात में थी यकदम चौंकी। उन दोनों की जानिब देखा, वो दोनों बेहद संजीदा थीं। उसके रुखसार यकदम गुलाबी हुए थे। वो तो वैसे ही, तुम्हें नहीं लगता शीजा के माज भाई को हमारी राबी अच्छी लगने लगी है? वो अभी उन्हें टालने ही लगी थी कि रीदा की फुलझड़ी पर उसने उसे आंखें दिखाई। शीजा ने भी यकदम उमड़ती मुस्कुराहट रोकी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, आज देखा था कैसे अरहम भाई को झाड़ा था उन्होंने, और वो जो राबी को हाथ से पकड़ कर अंदर लाए थे वो भी तो याद करो। शीजा ने राबेल की शक्ल देखकर बहुत मुश्किल से हंसी रोकी थी, फिर दिल जलाने वाले अंदाज में बोली, उनके मस्ते कैसे सॉल्व कर लिए तुमने? अपने तो सॉल्व होते नहीं तुमसे। और अब वो दोनों पूरे तरीके से मैदान में उतरी थी उसे तंग करने। उसने दांत पीस कर मास को दिल ही दिल में कोसा, बदतमीज ना हो तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने कहकर बेसाख्ता गरम गरम काफी हलक में उंडेली। फिर कैसा है? ख्याली पुलाव ही पकाते रहो तुम दोनों। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ। उसने बहुत कमज़ोर सी दलील दी थी खुद के दिफा में। तो क्या हुआ, जानने तो लगी हो ना।
और अब के उसके कान तक सुर्ख हो गए थे। वो दोनों ढिठाई से हंसी तो राबेल का दिल किया दोनों पर कॉफ़ी उलट दी। कुछ ज़्यादा ही नहीं नॉवेल्स पढ़ने लगी हो तुम दोनों? मैं नहीं, सिर्फ शेजा, मुझे तो हंसी आ जाती है नॉवेल्स पढ़कर। मतलब इतना अनरियलिस्टिक भी कुछ भी हो सकता है क्या? वो कहकर हंसी तो शेजा ने उसे कंधे पर थप रसीद की। मेरे नॉवेल्स को कुछ मत को, वो हकीकत से भले ही कितने भी दूर हो मेरे दिल से बहुत करीब हैं। क्यों राबी, तुमने भी पढ़ा था ना पिछली दफ़ा, कितना अच्छा लगा था तुम्हें? उसने तपाक करते हुए सर हिलाया था। बहुत अच्छा नावल था वो, और मुझे बस वो ही अच्छा लगा था क्योंकि मैंने सिर्फ वो एक ही नावल पढ़ा था। साथ ही दांत भी निकाले तो रीता हंसती शीजा ने उसे पूरा समूह बनाकर देखा था। जो भी हो, मुझे तो नहीं अच्छे लगते फजूल से नावल्स, बस बिना वजह का अपनी तरफ से कुछ भी। भला आपने कभी सुना कि किसी लड़के ने किसी लड़की से ज़बरदस्ती शादी कर ली हो? कुछ भी मतलब। और उससे पहले कि शीजा उसका सर कुचल देती, राबेल ने सर नफी में हिलाया जैसे उसे उसकी बात से इख्तलाफ हो। पहली बात तो ये है रीता बच्चे के फिक्शन कहते ही उस चीज़ को हैं जो आपने फ़र्ज़ करके लिखा हो, मतलब वो जो हकीकत से बहुत दूर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके में लिखी हर बात ही झूठ या फिर तखीलाती हो। एक आला पाए के लिखारी का कहना है कि हर इंसान अपने अपने दायरों में ज़िंदगी गुजारता है, ठीक? वो रवानी से बोलते बोलते ज़रा ठहरी, अपना खाली कप दरमियाने टेबल पर रखा, फिर टेबल से सामान हटाकर जगह खाली की, उस पर उंगली से अनदेखे से दायरे खींचे। वो दोनों तवज्जो से उसे ही देख रही थीं। अब ये दायरा है शीजा की ज़िंदगी का, ठीक? ये दूसरा दायरा मेरी ज़िंदगी का और ये तीसरा तुम्हारी ज़िंदगी का। अब हम अपने अपने दायरों में बहुत से लोगों को जानते हैं। तुम्हारे जानने वाले हो सकते हैं कुछ लोगों को शीजा ना जानती हो, और मेरे बहुत से जानने वालों को तुम दोनों नहीं जानती होगी। इसी तरह हमें नहीं पता कि किसके दायरे में क्या चल रहा है। हम बस अपने महदूद दायरे को देखते हुए आगे वाले पर जजमेंट पास कर रहे होते हैं। हमारा इन बहुत महदूद है। हम नहीं जानते कि सारी दुनिया के लोगों की ज़िंदगियों के दायरों में क्या क्या कहानियां पिनअप करी हैं। तुम नहीं जानती, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं होगा। हो सकते हैं दुनिया के किसी कोने में हमारी कहानियों के किरदार जिंदा हों, लेकिन कौन जाने। शीजा ने आखिर में तालियां बजाई थी, लेकिन रीता ने मुस्कुराकर सिर्फ सर ही झुकाया था। उसके तासुरात से ही लग रहा था कि वो कायल हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हर उस चीज़ को ही सच मानना शुरू कर दें। इन राइटर्स ने लड़कियों का मैयार इतना ऊंचा कर दिया कि वो किसी आम से लड़के को पसंद ही नहीं करती हैं। ऐसे तो नहीं होता ना अब? राबेल जो उठने ही लगी थी वापस बैठ के उसे नरमी से देखा। कहानियाँ ये नहीं दिखाती कि दुनिया कैसी है, कहानियाँ ये दिखाती हैं कि ये दुनिया कैसी होनी चाहिए। ये हमें बताती हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। बहुत से लड़कों को मैंने मजाक बनाते हुए भी देखा है कि ये देखो जी, अब सलाह जैसा कौन हो सकता है, क्या बेवकूफ़ बनाते हैं। बट इस किस्म के किरदार दरअसल सीधा उन पर चोट होते हैं, इसीलिए बुरे लगते हैं उन्हें। समझ आया कुछ? कुछ ना कुछ तो आ ही गया है, रीता ने हंस कर जवाब दिया, तो वो भी अब के मुस्कुरा कर उठ खड़ी हुई। किचन में जाकर उसने बर्तन रखे और फिर एक लम्हे को किचन के दरवाजे से हल्का झांक कर लाउंज में देखा। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। उसने गहरा सांस लेकर फैसला किया और फिर से लाउंज में चली आई। नमाज पढ़ी थी तुम दोनों ने मगरिब की? उसने मोबाइल हाथ में लिए सरसरी सा पूछा तो वो दोनों चौंके, फिर शर्मिंदगी से इधर उधर देखा। वो मैं अपना कॉलेज का काम कर रही थी तो नहीं पढ़ी। उसने शीजा से निगाह हटाकर रिधा को देखा, वो पूरे दांत निकाल कर मुस्कुरा रही थी। राबी को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई थी। नमाज पढ़ना मुश्किल लगता है? उसने अब के वाजे तौर पर पूछा तो उन दोनों ने इस्पात में सर हिलाया था। राबेल ने गहरा सांस दिया। एक काम करते हैं, कल से तुम दोनों सिर्फ नमाज के फ़राइज पढ़ना। बस फ़र्ज? क्या पढ़ सकते हैं? हाँ, तुम दोनों सारी नमाजों के फ़र्ज पढ़ लेना, लेकिन नमाज कोई नहीं छोड़नी तुम दोनों ने। वो इतनी नरमी से कह रही थी कि उन दोनों ने जल्दी से सर हिलाया। तुम श्योर हो ना कि हम फ़र्ज पढ़ सकते हैं? शीजा के पूछने पर वो मुस्कुराई थी। देखो शीजा, ये दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही नमाज पढ़ने से बेहतर है कि हम छोटे छोटे कदम उठाकर कम से कम अपने अंदर नमाज पढ़ने की आदत तो डाल ही लें। एक वक्त आएगा कि मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा और तुम दोनों अपनी पूरी नमाजें अदा करोगी। बस उस वक्त तक तुम दोनों को फ़राइज़ बाकायदगी से पढ़ने हैं, ओके? वो दोनों उस हल्के से काम पर राजी हुई तो राबेल का दिल हल्का फुल्का सा हो गया। उसकी कोशिशें नाकाम नहीं जा रही थी। एक साथ नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों उसकी बात मान ही लेंगी। उन्हें बस अल्लाह की किताब से उन्हें उस जानिब बुलाते रहना होगा। हाँ, उसे अपनी कोशिश जारी रखनी होगी किसी भी तरह, किसी भी हाल में। अगला एक हफ्ता इसी खामोशी से गुजर गया। घर वालों का रवैया उसके साथ पहले से खासा बेहतर हो गया था, लेकिन वो फिर भी अंदर कहीं उदास थी। पिछले दिनों ही जब वो अपनी दोस्तों से मिलने गई थी तब उसे सबके रवैये से बेहद तकलीफ पहुंची थी।
वहाँ सब लड़कियाँ बहुत मॉडर्न थी, वहाँ पर वो सब अपने खूबसूरत बाल लहराती इस सारी महफिल में जगमगा रही थी। वो कुछ पल तो खामोशी से बैठी रही, एक दो दोस्तों से बात करने की कोशिश की, तब भी उसे उसके हिजाब की वजह से बहुत बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया था। उन सब का एक ही मुतालबा था कि उस होटल में कोई लड़का है ही कहाँ, इसीलिए वो अपना ये हिजाब उतार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। होटल में काम करते वर्कर्स और बहुत से गैर महरम लड़के यहीं से आ जा रहे थे, वो कैसे उनके सामने अपने बाल खोल सकती थी। जब किसी ने भी काफ़ी देर तक उसकी जानिब तवज्जो नहीं की तो वो खामोशी से वहाँ से उठाई। उसे लगा था कि अगर उसे उसके घर वालों ने कबूल कर लिया तो सब कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सोसाइटी की नज़र में वो अपने इस दुपट्टे की वजह से आज भी ज़ीरो थी। वापसी के सारे रास्ते उसका दिल गहरी तकलीफ के ज़ेर असर रहा। ऐसी ही तकलीफ़ होती है जब आप एक अरसे तक किसी महफिल की जान रहे हों और आपके एक फैसले के बदले वो आपको उठाकर एक जानिब फेंक दे, तो ऐसी ही तकलीफ़ हुआ करती है। लेकिन वो फिर भी नहीं रोई। हर वक्त रोना अच्छी बात नहीं होती। तुम बहुत एबनॉर्मल लग रही हो राबेल, तुम हम जैसी नॉर्मल नहीं लग रही हो। एक दोस्त का मजाक उड़ाता हुआ तबसरा उसे याद आया, तो तकलीफ़ मजीद गहरी होगी। जब वो वक्त से पहले ही घर आ गई तो लाउंज में बैठी रामीन ने उसे हैरत से देखा। उनके साथ ही दूसरे सोफे पर जरताशा चची बैठी थी, उन्होंने भी उसे गर्दन फेर कर देखा था। कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई, उन्होंने पूछा, तो उसका दिल किया कि धाड़े मार कर वहीं रोना शुरू कर दे, लेकिन वो फिर भी खामोश रही। दुखते गले से बहुत सा थूक निकल कर उसने बमुश्किल चंद लफ्ज कहे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ, इसीलिए वापस आ गई, रामीन के सब्जी काटते हाथ लम्हे भर को रुके थे, चेहरा हैरत से उठाकर उसे देखा। क्या मतलब, क्या अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हें? वो माँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसकी बात पर जरताशा ने मायने खेजी से मुस्कुराकर सर झटका, तो उसे कहीं बहुत अंदर तक तकलीफ हुई, आंखें बिला वजह ही गुलाबी हो गईं। साफ जाहिर है भाभी कि उसे वहाँ किसी ने बिठाना पसंद नहीं किया इसके दुपट्टे की वजह से। भला लड़कियाँ कहाँ पसंद करती हैं ऐसी ओल्ड फैशन लड़कियों से बात करना। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके राबेल? वो अब तक मुस्कुरा रही थी, उसका दिल जख्मी होने लगा, गला अब के बहुत दुखने लगा था, लेकिन वो नहीं रोएगी। अपने इस मामूली से हिजाब की खातिर तुमने अपना रिश्ता तक खराब कर लिया, और जवाब में रिश्ता जोड़ा भी तो किसके साथ, वो मांस? उन्होंने बेसाख्ता झरझरी ली थी। रामीन भी उसे अफसोस से देख रही थी। अजीब ही है वो तो, पता नहीं तुम जैसे लड़की रहेगी कैसे उसके साथ, और हम जैसा ऑप्शन तुम्हें सारी ज़िंदगी नहीं मिल सकता, लेकिन अफसोस तुमने अपनी हठधर्मी की वजह से खो दिया। क्या मिल गया तुम्हें उसे यूँ सर पर लपेट कर? उन्होंने बात ख़त्म करके सर एक बार फिर से झटका। रुख अब के पूरी तरह से रामीन की जानिब कर चुकी थी वो। रामीन ने भी उसके दिफा में कोई लफ्ज़ नहीं कहा था, कहीं अंदर वो भी इस किस्म की राय रखती थी उसके बारे में। उसने दुखते दिल के साथ खामोशी से कदम अपने कमरे की जानिब फेरे और दरवाज़ा बंद करके बेड तक चली आई। सिंगार आईने में उसका जख्मी सा अक्स जगमगा रहा था। उसने चेहरा मोड़कर अपना अक्स देखा, स्याह अबाय में उसका मतनासिब सरापा गहरी तकलीफ के जेर असर लगता था। वो उन्हें जवाब देना चाहती थी, लेकिन चची ने बात ही इतनी बेरहमी से शुरू की थी कि उसके सारे अल्फाज ही उससे गुम हो गए थे। वो धुंधली आंखों से अपना अक्स उस आईने में देखे गई। क्या मिल गया था उसे यह हिजाब अपने सर पर लपेट कर? सब उससे एक ही बात पूछ रहे थे कि उसे क्या मिल गया ये सब करके। अब वो उन्हें क्या बताती कि उसे क्या क्या मिल गया था? काश के वो उन्हें समझा सकती कि अल्लाह की मोहब्बत में उबलते आंसू बहाने की लज्जत क्या हुआ करती है। काश वो उन सबको समझा सकती कि रात के किसी पहर आंख खुलने पर खुद को पानी से भिगोने के बाद उसके सामने गर्दन झुका कर खड़े होने की क्या कैफियत होती है, उससे चलते फिरते बातें करने की आदत क्या होती है, उससे अपने गम की फरियाद करने की लज्जत क्या हुआ करती है, अपने तारीख कहफ में उसे कमज़ोर सी आवाज़ के साथ पुकारने की अजियत क्या हुआ करती है, और कुरान के ज़रिए उससे कुर्ब के राहों पे चलने की चाह क्या हुआ करती है। काश के कभी वो उन सबको ये समझा सकती, काश के वो उन्हें ये सब बता सकती। मगरिब के फैली उदासी में उसने नमाज पढ़कर कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। रुख रीता और शीजा के कमरे की जानिब था। उसने दरवाज़ा खोला ही था कि सामने का मंजर देखकर उसे अपनी आंखों ही पर यकीन नहीं आया। शीजा अपने गेट बड़ी सी सफ़ेद चादर लपेटे रुकू के लिए झुकी हुई थी। वो अभी उसे हैरत से ताकी रही थी कि उसकी नज़र दूसरी जानिब पड़ी। रीता सिंगार आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे के गेट दुपट्टा लपेट रही थी। जीन्स पर आज उसने घुटनों तक आता कुर्ता जेबितन कर रखा था। दुपट्टा लेने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसका दुपट्टा बार बार सिरक कर पेशानी पर आ रहा था।
राबेल उन दोनों को खामोशी से देखती रही। बेख्तियारी उसके दिल पर शुक्रगुजारी के बहुत से आंसू गिरे थे। अगर एक जानिब से उसे तकलीफ मिल रही थी तो दूसरी जानिब से अल्लाह उसके घर वालों को दीन अता कर रहा था। उससे ज़्यादा खुशी के लिए और किसी चीज़ में हो ही नहीं सकती। राबेल आबिद के इर्द गिर्द फैली उदासी से मगरिब शुक्रगुजारी के आंसू से भीगने लगी थी। उसकी दुआएं रायगा नहीं जा रही थी, अल्लाह उसकी पुकार का जवाब दे रहा था। अल्लाह तो वैसे भी इंसान को कभी नहीं छोड़ता, हमेशा हम अल्लाह को छोड़ते हैं। रिदा की निगाह बेसाख्ता उस पर पड़ी तो वो फौरन उसकी जानिब घूमी। यार राबी प्लीज़ ये दुपट्टा ठीक से बांधो, मैं कब से लगी हुई हूँ इसके साथ। और वो मुस्कुराती हुई अंदर चली आई थी, आंखें पड़ते जज्बात से भीगी थी। तुम रो रही हो? अरे नहीं। वो हंसती फिर हथेलियों से आंखें रगड़ी। हर आंसू तकलीफ के आंसू नहीं हुआ करते, कुछ आंसू अपने अंदर ढेरों खुशियां समेटे होते हैं। उसके आंसू में भी आज खुशी का हर रंग था। तो फिर ये आंखों में आंसू क्यों हैं? वैसे ही बस पता नहीं क्या हो जाता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी चादर दुरुस्त तरीके से चेहरे के गिर्द लपेटी। रिदा का क्यूट सा चेहरा उस हाले में और भी प्यारा लग रहा था, और इस्लाम की खूबसूरती ही यही थी। वो धारी तलवार जैसे हुसन वाली लड़कियों पर यूँ चादर डाल दी जाए तो वो अपने आप ही मासूम लगने लगती हैं। बकौल हाशिम नदीम के, दीन तो इंसान को मासियत से मासूमियत तक लेकर जाने का रास्ता है। तुम आज कल बहुत रोने लगी हो, और अभी इतना मत रोया करो। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता, मुझे बहुत गुस्सा आता है खुद पर, फिर भी मैं अपने आंसू पर काबू नहीं रख पाती। सही कहता है वो, पागल हूँ मैं बिल्कुल, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो रीदा भी मुस्कुरा दी, फिर उसके गुलाबी से गाल पर चुटकी काटी और जायनमाज की जानी पड़ गई। उन दोनों को यूं ही छोड़कर अब के वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे की जानी पड़ रही थी। दिल में पिछली तकलीफ अब तक बाकी थी, लेकिन उस खूबसूरत मंजर के बाद उस तकलीफ का असर कुछ हद तक ज़ाहिल हो गया था। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक बार फिर से उसके सर पर सवार थी, और उनका मुतालबा एक ही था कि वो उनके साथ जरताशा चची के घर चले। उनका गेट टुगेदर किसी वजह के बायस मौखर हो गया था, लेकिन राबेल नहीं जाना चाहती थी। वो अच्छी खासी खुशी को खाक नहीं करना चाहती थी। तुम चल रही हो राबी, और बस, शिजा ने धौंस भरे अंदाज में कहा। तो उसने बेबसी से सर उठाकर उसे देखा। स्टडी टेबल पर बिखरा बहुत सा काम अभी उसका मुंतजर था, लेकिन वो दोनों थी कि उसे साथ ले जाने पर मिसर थीं। यार प्लीज़ शिजा, मुझे काम है, मैं नहीं जा रही। राबी पता है हरीम भाभी पिछली दफ़ा भी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। एक तो पहले ही तुमने ढंग से कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, ऊपर से अब इस छोटी सी तकरीब में भी नहीं चल रही हो, सिर्फ लड़कियाँ ही तो होंगी वहाँ। प्लीज़ चलो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और उन दोनों के इस कदर इसरार पर उसने सर नफी में हिला कर गहरा सांस लिया था। तुम दोनों किसी दिन मुझसे मार खाओगी। और जब वो स्टडी टेबल से उठी तो उन दोनों ने एक साथ तालियां पीटी थीं। लेकिन एक शर्त पर ही जाऊंगी मैं। क्या? दोनों उसकी जानिब सवालिया सी घूमी। मैं खुद तैयार होंगी। ओके, लेकिन ऐसा मत तैयार होना कि लगे हम मिलाद में शिरकत कर रहे हैं। शिजा ने बाहर निकलते निकलते उसे तंबीह की थी। उसने आंखें घुमाई, फिर खुद को शीशे में देखा। यूँ छुप कर नहीं बैठते राबेल, बल्कि सबको फेस करते हैं। तुम्हें अभी मजबूत बनना है, बहुत बहुत मजबूत। खुद को मुस्कुरा कर देखा और वार्डरोब की जानी पड़ गई। लिबास तब्दील किए अब वो आईने के सामने खड़ी रेशमी से घने बालों को जूड़े में लपेट रही थी। स्याह चूड़ीदार पजामे और स्याही बारीक सितारों वाली लंबी कमीज पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों को उसने जैसे तैसे जूड़े में लपेट कर सर पर हिजाब लिया और कमरे से बाहर चली आई। रिदा और शेजा भी तैयारी खड़ी थी। फिर तीनों ही घर से निकल आई। सड़क के उस पार एन सामने जाहिद चचा का घर। घर के अंदर तो गोया रंगो बू का सैलाब उमट आया था। लाउंज में बहुत सी कजन बैठी थी। जरताशा चची हरीम के साथ बैठी एक एक कजन का उससे तारुफ करवा रही थी। उसकी निगाह अब के हरीम पर पड़ी। वो एक स्टाइलिश सी खूबसूरत लड़की थी, स्याह बाल स्टेप्स में कटे हुए थे। रिदा और शिजा के साथ ही उसने भी कदम लाउंज की जानी बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। सब ने उन तीनों की जानिब देखा था। एक जानिब सोफों पर जरताशा चची की तीन भांजियाँ रिमशा, शुमाइला और जारा बैठी थीं। सामने के सोफे पर उसके फर्स्ट कज़न अनवर भाई की बहनें आमना और फातमा बराजमान थीं। उस तरफ के सोफे पर राफिया चची की बेटियाँ शाहीन और दुआ बैठी थीं। उसकी कभी भी उन लड़कियों से कुछ खास बनी नहीं थी, शायद वजह उनकी सोच थी। वो कभी ऐसी लड़कियों से बेतकल्लुफ नहीं हुआ करती थी जो अपने ऊपर अलग तरह का होल चढ़ाकर खुद को बनाकर पेश किया करती थीं। उसकी सिर्फ साफ सीधे लफ्जों में बात करने वाले लोगों से बनती थी, जो कि ये लड़कियां हर किस भी नहीं थी। रिदा और शीजा से होती निगाहें उस तक फिसली तो उसने मुस्कुराकर सबको सलाम किया। और यह आबिद की बड़ी बेटी अरहम की मंगेतर जो थी,
और जरताशा चची के इस तरह से कहने पर राबेल का दिल क्या जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसके आसपास एकदम ही बहुत ही शर्मिंदगी फैल गई थी। थी मतलब हरीम ने ना समझी से चची की जानी देखा, टूट गई मंगली। और उनके जवाब पर हरीम के लब ओह में सुकड़े, उसे जैसे अफसोस हुआ था। राबेल नर्वी सा मुस्कुराई, एकदम सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो गया था। आह हमेशा क्यों होता था ऐसे, मंगनी क्यों टूट गई आपकी? हरीम को अफसोस के साथ साथ हैरत भी थी। उसके रुख साथ शर्मिंदगी से गुलाबी हुए थे। रीदा और शिजा भी गैर आरामदेह हो रही थी। इसके मंगेतर को इसका यूं दुपट्टा लपेटना पसंद नहीं था, इसीलिए उसने मंगनी तोड़ दी। क्या, एक दुपट्टे की वजह से आपने रिश्ता ही तोड़ दिया? मतलब कैसे हो सकता है ऐसे? लाउत में विराजमान हर लड़की उस बेवक्त की बहस से बहुत महसूस हो रही थी। राबेल का सीना घुटने लगा, उसका जख्मी दिल मजीद जख्मी होने लगा। मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था, अपने दिफा में उसने बस इतना ही कहा था। वो ज़्यादा थे, राबेल उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ऐसे थोड़ी करते हैं, यूँ आपने बस एक चीज़ को लेकर इतना बढ़ा चढ़ा लिया कि उसके पार आपको कुछ नज़र ही नहीं आया। किसी को तो समझाना चाहिए था आपको, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिला करते। उसने थोक के साथ बहुत से आंसू भी अपने अंदर उतारे थे, फिर चेहरा उठाया, मुस्कुरा कर उन्हें देखा। मुझे किसी ने समझा दिया था, तभी तो ये रिश्ता बच ना सका। किसने समझाया था आपको? वो सीधी ओ बैठी, बहस बहुत ही दिलचस्प रुख इख्तियार कर रही थी। अल्लाह की किताब ने। और उसके जवाब पर हरीम का मुंह ही खुल गया था। लाउंज में बैठी लड़कियों की दबी दबी सी हंसी गूंजी थी। राबेल मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी तुमसे यार, मतलब कौन से वक्त में जिंदा हो तुम, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन तुम अभी तक इन किताबी बातों ही में अटकी हुई हो। तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की से ये सब उम्मीद नहीं थी किसी को भी। जरताशा चची की भांजी शुमाइला ने नखूत से कहकर नाक से मक्खी उड़ाई थी। पोपा मुश्किल जमकर बैठी रही। अच्छा चलो ना, लीव दिस, जो भी है तुम्हारा ये दुपट्टा वगैरह ठीक है, लेकिन अभी तो यहाँ कोई मर्द नहीं है ना, अभी प्लीज़ इसे सर से हटा दो, फिर सब ईजी हो जाएंगे। यू नो तुम इस तरह दुपट्टा लपेट कर दादी वाला वर्जन लगती हो, हम लड़कियों को अजीब लगता है फिर। यहाँ उतार तो कोई नहीं है। लेकिन वो यूँ यहाँ उन सब के सामने उसे सर से उतारने के ख्याल से ही बेचैन हुई थी। ठीक है अभी कोई नहीं था, लेकिन कोई आ तो सकता था ना, और वो खुद का मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। मैं ठीक हूँ ऐसे ही, प्लीज़, उसने फातिमा को जवाब दिया, लेकिन वो उसके दुपट्टे की जानिब अपना हाथ बढ़ा चुकी थी। प्लीज़ फातिमा मैं ठीक हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे उसने उसके दुपट्टे की पिन खोली तो वो रेशमी होने के बायस खुलकर उसकी गोद में आ गिरा। बाल जो जूड़े में बांध रखे थे कंधों पर फिसल के। उसी वक्त इकबाल जाने कहां से पीछे आ खड़ा हुआ तो उसका सांस ही लम्हे भर को रुक गया। जल्दी से उसने दुपट्टा एक बार फिर सर पर लिया और उजलत में उठ खड़ी हुई। रेशमी दुपट्टा उसके रेशमी बालों के बायस बार बार फिसल कर गिर रहा था। उसके हाथ कांपने लगे थे। वो जल्दबाजी में बाहर की जानी पड़ने लगी तो साइड टेबल पर रखे शीशे के गुलदान से टकरा गई। छन, शीशे टूटकर सारे लाउंज में बिखर गए थे। उसने पीछे मुड़कर देखने के बजाय तेज लरसते कदमों से लान उबूर किया और दुपट्टे को कसकर पकड़े अपने घर की जानिब आ गई। दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था, लगता था अभी बाहर आ गिरेगा। आंखों से बेख्तियार गरम गरम आंसू फिसल कर रुखसार पर गिरे थे। इस कदर हतक और इस कदर तमस्कर उसने चंद ही लम्हों में सह लिया था कि उसका सीना अब के तकलीफ से कुटने लगा था। वो लॉन से भागती हुई घर के अंदर दाखिल हुई तो ठटक कर रुकी। सामने ही वो अपने स्याह से शेड के बरक्स आज सफ़ेद टी शर्ट पर भूरी जैकेट पहने हमेशा की तरह वजीह लग रहा था। धीमी आवाज़ में रामीन से कोई बात करते हुए उसने कुछ महसूस करके यकदम चेहरा फेरा। फिर अगले ही लम्हे उसके अबरू हैरत से ऊपर को उठे। उस स्याह झलमिलाती कमीज पर वो झलमिलाती आँखें लिए उसे साकित कर गई थी। उसकी आंखें सुर्ख मतोरम हो रही थीं। दुपट्टा कस के ठोरी की जानिब से पकड़े वो उस समय उसे बहुत बिखरी बिखरी सी लगी। रामीन ने भी हैरत से उसे देखा था। क्या हुआ तुम फिर इतनी जल्दी वापस आ गई? उन्हें अब उस पर सख्त तेज चढ़ा था। उसने कुछ बोलना चाहा लेकिन लब लरस कर रह गए। आंखों की सुर्खी जब्त के बायस गहरी होने लगी थी। क्या हुआ इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई हो? यकीनन फिर कोई बदमस्गी हुई होगी तुम्हारी वजह से। राबे तुम्हें कितनी दफ़ा मैंने समझाया कि प्लीज़ अब बस कर दो ये सब, हर दफ़ा क्या तमाशा खड़ा करना लाजमी है? और उसका दिल उस समय इस कदर भर आया लगता था फट जाएगा, लेकिन वो मुट्ठी बेंचे खड़ी रही। दुपट्टा जो थोड़ी से पकड़ रखा था छोड़ दिया, चेहरे के इतराब में लेटे बिखर गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ, मैं कमरे में। चाची मैं दरअसल राबेल को ही लेने आया था, क्या मैं ले जाऊँ इसे? उसके इस कदर सादतमंदी से पूछने पर जहाँ रामीन को खुशगवार सी हैरत हुई, वहीं राबेल ने आंखें फैला कर उसे देखा था।
यूं लगता था गोया उसने लम्हों में बैठे बैठे उसे ले जाने का फैसला किया हो। मुझे नहीं। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर ले जाओ आप। वैसे भी इसका दिमाग आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा है, बेहतर है कि ये इस घर से कुछ लम्हों के लिए बाहर निकल जाए। उसकी जानिब देख कर हल्की सी सख्ती के साथ कहा तो वो बेबसी से मास को देख कर रहेगी। उसे वो उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो उसकी जानिब मतवजह था ही नहीं। उसने शिकस्ता से कदम कमरे की जानिब बढ़ाए और लरजते हाथों से अबाया पहनने लगी। अबाया पहनते हुए उसे एहसास हुआ कि वो वाकई यहाँ से बहुत दूर चली जाना चाहती है, इस घर से और इस घर के मकीनों से। और फिर कुछ लम्हों बाद वो खामोशी से उसके बराबर वाली सीट पर बैठी जब्त से बाहर देख रही थी। मास ने भी उसे मतवज्जे करना मुनासिब नहीं समझा, खामोशी से ड्राइव करता रहा। अगले लम्हे वो उसके पीछे पीछे खामोशी से चल रही थी। वो उसे करीबी पार्क में ले आया था। रात के उस खनक से पहर में लोगों की मौजूदगी ना होने के बराबर थी। वो खामोशी से संगी बेंच पर आ बैठे तो राबेल भी उसकी तकलीद करते हुए उस बेंच पर आ बैठी थी। दरमियान में ना महसूस सा फासला था। चंद पल कोई कुछ नहीं बोला। क्यों लेकर आए हो तुम मुझे यहाँ? उसकी आवाज़ अब भी फटी फटी सी थी। मास ने खामोशी से उसकी कतई आंखों को देखा। वो उसके ऐसे देखने पर लम्हे भर को कसमसाई थी। तुम रो लो राबेल। लेकिन उसकी अगली बात पर उसने हैरान होकर चेहरा उठाया। वो नरम निगाहों से उसे ही देख रहा था। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी तैरने लगी थी। मास ने गहरा सांस लिया, फिर उसे देखा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ? और उसने एकदम इतने मान से पूछ लिया था कि राबेल का दिल जो पहले ही बोझल था मजीद बोझल होने लगा। अगर वो उसी तरह देखता रहा तो वो खुद पर काबू कैसे रखेगी? मुझे कोई रोना वोना नहीं है, मुझे घर जाना है। वो बेसाख्ता उठकर आगे बढ़ने लगी तो मास ने उसकी कलाई थामी। वो अपनी जगह पर ही साकित हो गई थी। आंखों की नमी सवा होने लगी। उसने नरमी से उसे पीछे किया, फिर दोबारा बेंच पर ला बिठाया। वो बेबस सी एक बार फिर से बैठ गई थी। मैंने कहा ना, रो लो तुम आराम से, इतना सब कुछ अंदर नहीं रखते अपने। तकलीफ पड़ जाए तो जान ले लेती है, रोना इंसान को सेहतमंद रखता है। रो लो तुम, मैं बैठा हूँ यहाँ। तुम भी मजाक उड़ाओगे मेरा? सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को मेरी तकलीफ का कोई अंदाज़ा नहीं। कोई भी मेरे नज़रिए से नहीं सोच रहा, सबको अपनी ज़ुबान का चटखारा चाहिए। बोलने से पहले एक दफ़ा भी अगर सोच लें ये लोग तो कभी इतनी अजियत ना मोचे। तुम भी सब जैसे हो, तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे, मुझे पता है सबका। अगले ही पल वो अब आंखों पर बच्चों की तरह बाजू रखे रो रही थी। फूट फूट कर अंदर पलती अजियत को जैसे बहुत दिनों बाद किसी के सामने निकलने का मौका मिल गया था। उसका थका थका सा दिल अब के पूरी शिद्दत से भिंच रहा था। मास घुटनों पर कोनियाँ रखे हथेलियाँ बाहम मिलाए छुक कर बैठा था और वो बच्चों की तरह रो रही थी। फिर बाजू से ही आंखें साफ करने लगी तो मास सीधा हो बैठा, हथेली पर लिपटा रोमाल खोलकर उसकी जानिब बढ़ाया, फिर उसकी तरफ देखा। उसने चौंक कर मास की जानिब देखा था। उसकी सुरमई आंखों में नरमी थी, सिर्फ नरमी। राबेल ने बहुत दिनों बाद किसी की आंखों में अपने लिए आज नरमी देखी थी। उसका लरजता दिल आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसका रुमाल थामा और फिर आंसू साफ करने लगी। क्या हुआ था? उसके पूछने पर राबेल ने उससे निगाह चुराई, चेहरा झुका लिया। कुछ नहीं, किसी ने बदतमीजी की, कुछ कहा। या अल्लाह, वो ऐसे क्यों पूछ रहा था? उसका दिल बेख्तियार ही उसकी जानिब खींचने लगा था। उसे ये वाले मास की आदत नहीं थी। कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही, छोड़ो। हर वक्त बातों को पसे पुष्ट नहीं डालते राबेल, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि लोगों को अपने अमाल की वजाहतें नहीं दिया करते, नहीं तो वो आपको जैसे चाहें वैसे ट्रिक कर सकते हैं। सिर्फ हाँ या ना में बात किया करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे ऐसे बात करने नहीं आती, बहुत रूड है ये। कोई हर्ट हो गया तो? और वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दिया था। कभी कभी वो उसे पूरी तरह से हबीबा जैसी लगती थी जिसे अपनी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से आगे वाला जख्मी हुआ तो ये उसके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला था। पागल हो तुम बिल्कुल, सर हिला कर कहा तो उसने यकदम अबरू इकट्ठे करके उसे देखा, गोया बुरा मान कर देखा। यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम मुझे? वैसे ही सोचा तुम्हें ये पार्क दिखा दूँ, उसने भी कंधे उचका कर कहा तो राबेल का दिल ही जल गया। क्या वो ये नहीं कह सकता था कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, बदतमीज़ ना हो तो? मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। मास, तुम सुन रहे हो ना मुझे? उसकी गायब दिमागी पर उसने आखिर में उससे पूछ लिया। वो किसी गैर मुरई नुक्ते को देख रहा था, फिर अगदी में उठ खड़ा हुआ। राबेल ने नासमझी से भीगी भीगी आंखों से देखा था उसे। तुम्हें पता है तुम कितनी कमज़ोर लड़की हो, बात तक करने नहीं आती तुम्हें लोगों से, जो भी सुनाए तुम चुपचाप सुनकर आ जाती हो उनकी बकवास, उसने यकदम इस कदर बरहमी से कहा कि वो जो बेयकीनी से उसका चेहरा तक रही थी बेसाख्ता उठ खड़ी हुई।
उसकी सुरमई आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, समझे तुम, उसने इस कदर दृष्टि से कहा, लेकिन फिर भी मुकाबिल को फ़र्क नहीं पड़ा था। मुस्कुरा कर सर झटका, जैसे उसकी बात का मजाक बनाया हो। अच्छा तो तुम कमज़ोर नहीं हो, फिर क्यों सुनाई तुम उन सब की बातें? यकीनन कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? लेकिन वो बफर कर यकदम दो कदम उसके करीब आई थी। मतोरम आँखें दहकने लगी थी। मेरे पास जवाब था, फिर जवाब दिया क्यों नहीं? मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो सब मेरा जवाब के बाद मजीद मजाक बनाते और मुझे अपना मजीद तमाशा नहीं बनवाना था। और तुम उन्हें अपना तमाशा बनाने देती? आगे बढ़कर उनमें से किसी एक को मुक्का क्यों नहीं मारा तुमने? मुक्का मारना आता है तुम्हें? वो चंद लम्हे खामोश सी होगी, फिर चमक कर उसे देखा। आता है मुझे। और मां शेरवाई बेसाख्ता गर्दन झुकाकर हंस दिया था। वो उसके यूं हंसने पर हफ्ते से ही उखड़ गई। उसे गरेबान से पकड़कर अपनी जाने मतवजे किया। वो बमुश्किल अपने लबों को दबाए मुस्कुराहट को रोके हुए था। मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें अभी पता नहीं है राबेल आबिद का। मैं अगर बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता। मुझे बोलना आता है और अपनी ज़ुबान से लोगों की चमड़ियाँ खींचने भी आती हैं। लेकिन अगर मैं खामोश हूँ तो सिर्फ इसका ये मतलब है कि मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। इसका मतलब हर किसी भी ये नहीं है कि मैं किसी को जवाब नहीं दे सकती। मैं अगर जवाब देने पर आऊँ तो लोगों के मुंह तोड़ दूँ, लेकिन मैं ये नहीं करती क्योंकि मुझे ये नहीं करना। लेकिन अगर तुमने एक और बार मेरा मजाक बनाया तो तुम लम्हे भर को दांत पीसे वो महसूस हुआ उसकी शोला बयानी सुन रहा था। माँ शेरवाई तुम गए, उसने एक झटके से उसका कॉलर छोड़ा तो वो ज़रा सा लड़खड़ा कर पीछे हुआ। राबेल गहरे गहरे सांस दे रही थी, यूं लगता था गोया सीना किसी भारी बोझ से आज़ाद हुआ हो। उसे बहुत दिनों बाद खुलकर सांस आया था, सीने की तकलीफ यकलकती ख़त्म होने लगी। वाह राबेल जी, आप तो वाकई बोलना चाहती हैं, उसने सच में कायल होकर सर हिलाया था। राबेल ने कड़वे होते हलक के साथ चेहरा ही फेर लिया। वैसे वो खम्बा देख रही हो, वो वहाँ, उसने करीब आकर हाथ लंबा करके उसे दिखाया। उसने बस एक निगाह उस पर डाली थी, एक कहर आलूद निगाह थी वो। अगर तुमने मुझसे पहले उसे हाथ लगा दिया तो मैं बाकी मान जाऊंगा कि तुम एक बहादुर लड़की हो, एक मजबूत लड़की हो। तुम किसी को भी अपनी बेइज्जती नहीं करने दे सकती, क्योंकि अगर मैंने उसे तुमसे पहले हाथ लगा लिया तो फिर मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। बोलो मंजूर है, उसने आर या पार वाले अंदाज में उससे पूछा तो उसने काट खाने वाली नजरों से उसे देखा। उसे मैं ही हाथ लगाऊंगी तुमसे पहले, क्योंकि मैं एक मजबूत लड़की हूँ। ओके देखते हैं। और अगले ही लम्हे वो दोनों एक साथ उस दूर खड़े खंबे की जानब भाग गए थे। माज उससे चंद कदम आगे था और वो पूरी कुव्वत से भागती हुई उसके पीछे। उस समय पार्क में लोग बिल्कुल भी नहीं थे और वो दो बेवकूफ एक खंबे को पहले हाथ लगाने पर लड़ रहे थे। खंबे के थोड़ा करीब पहुंचकर जब माज उससे आगे निकलने लगा तो उसने उसकी जैकेट पकड़कर उसे अपने पीछे धकेला। वो अब हंस रही थी। माज अपने ही पैरों में उलझा और गिर गया। वो उसे उठाने यकदम पीछे आई तो वो उसे डॉज देकर एक बार फिर से उठ भागा। मौज बदतमीज, वो भी उसे कोसती हुई इसके पीछे एक बार फिर से भागी और आखिरकार उसने मास को हरा ही दिया। वो भागते भागते जाने कैसे अपनी रफ्तार कम कर गया था, लेकिन राबेल को उसकी चलाकी समझ नहीं आई। जल्दी से आगे बढ़कर खंबे को हाथ लगाया और फिर खुशी से हंस हंस कर उसे मुँह चिढ़ाने लगी। वो घास पर फूला सांस लिए बैठा हुआ था, उसे देख कर मुस्कुरा रहा था। वो अब उसके करीब आकर उसे जुबान दिखा रही थी। तुम हार गए मास और मैं जीत गई। मुझे पहले ही पता था कि मैं ही जीतूंगी। तुम मुझसे ज़्यादा तेज नहीं भाग सकते, क्योंकि जिनका कद छोटा होता है वो तेज भागते हैं। और तुम, वो कहते कहते रुकी फिर हंस पड़ी। कुछ याद आ गया था उसे। तुम तो बीच में गिर भी गए थे, उफ कितने अजीब लग रहे थे तुम गिरते हुए। वो पेट पर हाथ रखे गर्दन पीछे फेंक कर हंसती ही जा रही थी। वो उसे देख कर मुस्कुरा रहा था। फिर वो करीब चली आई, मास को हाथ देख कर उठाया। राबेल का चेहरा देख कर उसे बेसाख्ता ही शरारत सूझी थी। आ, उसके कराह पर उसने चौंक कर उसे देखा। ठीक हो ना तुम, क्या हुआ, कहीं लग गए क्या तुम्हें, उसने बेख्तियार ही परेशान होकर पूछा तो मास ने शक्ल और बेचारी बना ली। माथे पर गिरते बाल होले होले हवा से उड़ रहे थे। हाँ शायद गिरने से टांग पर चोट आई है। ओ ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हो रहा है। वो उसे साथ लगाए बेंच तक लाई, उसे बिठाया, फिर ऐन उसके सामने बैठी। जैसे उसकी जीन्स को हाथ लगाया उसने पैर बेसाख्ता पीछे किया था। राबी ने चौंककर उसे देखा, लेकिन वो घुटनों पर हाथ रख के ज़रा आगे झुका। वो आंखें फैलाए उसे ही देख रही थी। तो साबित हुआ कि मिस राबेल बहुत मजबूत हैं। रोते हुए भी अच्छी लगती हो, लेकिन रुलाते हुए ज़्यादा अच्छी लगोगी। आइंदा कभी किसी की बकवास सुनकर ना आना, लोग रुलाएं तो तुम भी उन्हें रुला कर आना, वो नरमी से कह रहा था।
चेहरे की संजीदगी वापस लौट आई थी, वो यकटक उसे तक रही थी। और अगर ऐसे में किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे मुक्का मारना नहीं आता। मास ने उसके दोनों हाथ थामे, उसके यक से हाथ अब मास की मजबूत हथेलियों में थे। वो सांस रोके देख रही थी उसे। तो फिर मास उसे खुद देख लेगा, तुम्हें उसके आगे की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस लोगों को इतनी इजाज़त नहीं देनी कि वो आए और तुम्हें हर्ट करके चले आए। तुमने अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, आइंदा तुमने रुला कराना है राबेल। मैं तुम्हें अभी यूँ शिकस्ता सा रोता हुआ ना देखूँ। और उसे उसी वक्त उन सुरमई आंखों से मोहब्बत हुई थी, वो आंखें गहरी थीं। उसे लगा वो डूब जाएगी। मैं आइंदा कभी भी किसी को इतनी इजाज़त नहीं दूंगी मास, मैं अब कभी किसी को मुझे हर्ट करने नहीं दूंगी। उसने उन आंखों के सहर में डूबते हुए बेसाख्ता कहा तो वो मुस्कुराया, वही हल्की सी अपनाइयत भरी मुस्कुराहट। वो दोनों अब गाड़ी में आ बैठे थे। अरहम रीता और शीजा से कितना बेतकल्लुफ़ है, और उसके ऐसे गैर मतवक़े सवाल पर उसने हैरान होकर उसके जानिब देखा था। वो उसी सुकून के साथ ड्राइव कर रहा था। तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही कोई भी ऐसे वैसे किसी से कुछ नहीं पूछता, मुझे बताओ क्या देखा है तुमने। उसके इस सवाल पर मास ने चौंक कर उसके जानिब देखा, उसे शायद उससे इतने जरहाना अंदाज की तवक्को नहीं थी। कुछ नहीं देखा है मैंने, वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो दोनों की नेचर किस तरह की है, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ है या फिर कुछ अक्लमंद अकल है उनमें। वाजे तौर पर मुस्कुराहट दबाकर कहा था उसने। राबेल ने दांत पीसकर उसे देखा। ज़रूरी है कि तुम हमेशा मुझे गुस्सा ही दिलाओगे? मैं उनकी बड़ी बहन हूँ तो जाहिर है मैं उनसे ज़्यादा अक्लमंद भी होंगी। अपने दिमाग से इस खन्नास को निकाल दो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं अक्लमंद हूँ और बहुत ज़्यादा हूँ। अपनी आखिरी बात पर तो उसे खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन उसके सामने खुद को बेवकूफ़ तस्लीम करना उसकी अना के ख़िलाफ़ था। इसीलिए जी कड़ाकर मज़े से मुबालगा आराई से काम लिया था उसने। मैं देख रहा हूँ कि तुम पहले ऐसी नहीं थी, मास को अचानक ही एक गहरे किस्म के अफसोस ने घेरा था। मैं हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन तुम मुझे भी जानते नहीं हो। अभी तुम्हें पता ही क्या है राबेल आबिद के बारे में? नाक से मक्खी उड़ाकर कहा तो मास यकदम हंस पड़ा। राबेल ने चौंक कर देखा था उसे। बहुत कम हंसता था वो ऐसे, और जब हंसता था ना तो उसने फौरन सर झटका। हंस क्यों रहे हो? एक पुराना लतीफ़ा याद आ गया था मुझे। तो मुझे लतीफ़े से तशबीह दे रहे हो? तेवरी चढ़ाकर पूछा तो उसने जल्दी से सरनफी में हिलाया। मेरी ये मजाल? राबेल उसके इस कदर सादतमंदी से कहने पर लम्हे भर को मुस्कुराई थी, फिर हाथ मानकर रुख उसकी जानी फेरा। बिल्कुल मजाल होनी भी नहीं चाहिए तुम्हारी, मुझे मुक्का मारना नहीं आता तो क्या हुआ बाल खींचने आते हैं मुझे? ओहो, इतना पसंद करती हो तुम मुझे कि मेरी वजह से अपने बाल खींच लोगी? हैरान होकर सवाल किया। उफ, राबेल का दिल किया कुछ उठाकर उसके सर पर दे मारे। बिल्कुल भी पसंद नहीं करती मैं तुम्हें, निकल आओ इन खुशफहमियों से। हाँ बिल्कुल, जब भी मेरी दूसरी तरफ क्या देख रही थी तुम्हें नजर ही नहीं आया, समझ कर सर हिलाया था उसने। उसके बर्जस्ता जुमलों ने राबेल को लाजवाब किया था। रवानी से उसे जुमले लौटाता हुआ वो हमेशा उसका जब्त आजमाया करता था। खुश फहमी है ये भी, गलत फहमी क्या है फिर? यही कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्या? नहीं करती? नहीं। अच्छा फिर जो मुझे लगा शायद वो मेरा वहम ही होगा, क्या लगा तुम्हें? ना समझी से उसकी जानिब देखकर पूछा था। उसे मास को समझने के लिए किसी और तरह से सोचना होगा, हर बात में जो मायने जुमले बोलते हुए वो जाने क्या क्या कह जाता था। शायद इत्तफाक यो, छोड़ो इस बात को, उसने कंधे उचकाकर कहा। तो राबेल की संजीदा निगाहें अब के उसके चेहरे पर जम सी गईं, फिर वो हल्का सा मुस्कुराई। मास ने ना समझी से देखा था उसकी जानिब। इस दुनिया में इत्तफाक नाम की कोई चीज़ नहीं होती मास अहमद शेरवाई, सब कुछ तयशुदा होता है, प्री प्लान। ये किसका डायलॉग है? उसे शक सा गुजरा था, ऐसी बातें राबेल को करने नहीं आती थी, इतना तो उसे पता ही था। लेकिन दूसरी जानिब राबेल जो सीधी होकर बैठ रही थी लम्हे भर को ठहर गई, बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। तुम्हें नहीं पता ये किसका डायलॉग है? मास ने अब्रू इकट्ठे करके इल्मी से उसकी जानिब देखा था, फिर होले से नफी में सर हिलाया। तो तुम नहीं जानते कि वली अहमद कौन था? क्या वाकई? वो अब तक बेयकीन थी। मास ने बेजार होकर गहरा सांस दिया। कौन वली अहमद? मैं नहीं जानता। तुम किताबें नहीं पढ़ते क्या? नहीं। और लम्हे के हजारवें हिस्से में उसे समझ आ गया था कि राबेल किसकी बात कर रही थी। सर नपी में हिलाकर उसने एक बार फिर से गहरा सांस लिया था। दूसरी जानिब अब की वो अपनी पूरी तैयारी करी थी उसे वली अहमद से मुतारिफ करवाने की। मुझे कोई शौक नहीं अफसानवी किरदारों की बातें सुनने का। और वो जो उंगली उठाए अभी उसे किसी छोटे बच्चे की तरह वली अहमद से मुतारिफ करवाने लगी थी, रुक गई।
खुले लब बंद कर लिए, लेकिन फिर यकदम ही उसकी आंखों में शरारत सी चमकी। बंद लब फिर से खोल लिए। उसे क्या लगा था कि राबेल इतनी आसानी से मान जाएगी। जानते हो कैसा दिखता था वो? ये लंबा निस्वारी आंखों वाला। हाय, संजीदगी से अब्रू उठाकर देखता था ना तो सारी लड़कियों के दिल रुक जाया करते थे। तुम्हें पता है मेरा क्रश है वली अहमद। इतना हैंडसम और इतना प्यारा बंदा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। वो जिस तरह अपनी मोहब्बत की हिफाजत करता था और जैसे वो अपनी बीबी के साथ नरम रहता था। उफ़, मैं क्या करूँ, मुझे वली अहमद चाहिए, आखिर में अफसोस से हल्की सी आवाज़ में कहा तो मास ने एकदम ज़ोर से हॉर्न बजाया। वो उस आवाज़ पर उछली थी, फिर चौंक कर उसकी जानिब देखा और अगले लम्हे उस पर आश्कार हुआ कि वो बेख्तियार ही जेलस हुआ था। मुस्कुराहट दबा कर उसने अब के ज़रा उसकी जानिब झुक कर उसे देखा। क्या तुम मुझे कहीं से वली अहमद ला कर दे सकते हो मास? इंतहाई मासूम आवाज़ में आंखें झपका कर पूछा। मास ने कड़वी निगाह डाली थी उस पर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कहीं मिले तो सही मुझे। लेकिन उसका अगला जुमला धमकी आमेज था। कहीं मिले तो सही मुझे, गर्दन ना मरोड़ दी मैंने तो। और राबेल पीछे होकर बेसाख्ता हंसती थी, मुंह पर हाथ रख के अब वो खिड़की की जानिब चेहरा फेरे दिल खोल कर हंस रही थी। बंद करो अब हंसना, उसकी तंबी ने राबेल को मजीद हंसने पर मजबूर किया था। हंस हंस कर सुर्ख होते चेहरे के साथ उसने पलट कर मास को देखा। वो वैसे ही खामोशी से ड्राइव कर रहा था। चेहरे के जाविये बिगड़े बिगड़े से थे, लेकिन राबेल की शरारत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक बार फिर से उसकी जानिब थोड़ा सा झुककर बेहद हल्की आवाज़ में कहा, जानते हो मास, तुम जेलस हो रहे हो। उसने एक निगाह उस पर डाली, कतई आंखों में दुनिया जहाँ की मासूमियत समेटे वो उस समय बहुत प्यारी लग रही थी। जी नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं एक अफसानवी किरदार से जेलस हूँगा? तुम्हें लगता है कि मैं इतना गैर संजीदा इंसान हूँ? सवालिया अबरू उठाकर उसे देखा तो राबेल ने बामुश्किल हंसी रोककर सादगी से सरस बात में लाया, कुछ भी नहीं है ऐसा, तुम्हारे कान भी सुर्ख हो रहे हैं। लेकिन वो उसे नहीं सुन रही थी, अपनी ही कही जा रही थी। मेरे कान इसलिए सुर्ख हैं क्योंकि मेरी दादी पठान थी और पठान लोगों के कान अक्सर सुर्ख रहा करते हैं। तुम्हारी सुरमई आंखों में जलन साफ नज़र आ रही है, जानते हो। और आपके पास, उसने एक निगाह राबेल पर डाली थी, उसने बेसाख्ता हाथ उठाए। अच्छा बस बस अब नहीं, लेकिन ये कहते हुए भी वो बामुश्किल हंसी रोक रही थी। उसने चेहरा ही सामने फेर लिया, उस पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी, इसीलिए कोई भी कमजोरी दिखाए बगैर उसने मजीद कोई बात ही नहीं की।